हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल सट्राडियो नॉलेज। आज हम कवर करेंगे 2 और 3 अक्टूबर के इम्पोर्टेंट करंट अफेयर। चलो फिर आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, हु वॉन रोड सेफ्टी वर्ल्ड सीरीज 2022। तो रोड सेफ्टी वर्ल्ड सीरीज 2022 किसने जीती? इंडिया लेजेंड्स, श्रीलंका लेजेंड्स, ऑस्ट्रेलिया लेजेंड, बांग्लादेश लेजेंड्स। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है इंडिया लेजेंड्स। इंडिया लेजेंड्स वॉन रोड सेफ्टी वर्ल्ड सीरीज 2022। तो इंडिया लेजेंड ने रोड सेफ्टी वर्ल्ड सीरीज 2022 जीती। इन्होंने डिफीट किया श्रीलंका लेजेंड्स को। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच स्टेट इज सेट टू सेट अप वर्ल्ड्स लार्जेस्ट जंगल सफारी पार्क अक्रॉस 10,000 acres। तो कौन सी स्टेट 10,000 acres में वर्ल्ड का लार्जेस्ट जंगल सफारी पार्क सेटअप करने के लिए पूरी तरह रेडी है? हरियाणा, गुजरात, ओडिशा, कर्नाटका। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है हरियाणा। हरियाणा टू डेवलप लार्जेस्ट सफारी पार्क इन दी वर्ल्ड। तो हरियाणा वर्ल्ड का लार्जेस्ट सफारी पार्क डेवलप करेगा। कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन अबाउट हरियाणा। तो हरियाणा फाउंड हुआ था 1 नवंबर 1966। हरियाणा की कैपिटल है चंडीगढ़। हरियाणा के सीएम है मनोहर लाल खट्टर और गवर्नर है बंडारू दत्तात्रेय। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच स्टेट वोन द फर्स्ट प्राइज फॉर द बेस्ट एडवेंचर टूरिज्म डेस्टिनेशन एंड ऑल अराउंड डेवलपमेंट ऑफ टूरिज्म। तो किस स्टेट ने बेस्ट एडवेंचर टूरिज्म डेस्टिनेशन और ऑल अराउंड डेवलपमेंट ऑफ टूरिज्म के लिए फर्स्ट प्राइज जीता है? मध्य प्रदेश, उड़ीसा, हरियाणा, उत्तराखंड। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है उत्तराखंड। उत्तराखंड वोन द फर्स्ट प्राइज फॉर द बेस्ट एडवेंचर टूरिज्म डेस्टिनेशन एंड ऑल अराउंड डेवलपमेंट ऑफ टूरिज्म। तो उत्तराखंड ने बेस्ट एडवेंचर टूरिज्म डेस्टिनेशन और ऑल अराउंड डेवलपमेंट ऑफ टूरिज्म के लिए फर्स्ट प्राइज जीता है। कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन अबाउट उत्तराखंड। तो उत्तराखंड फाउंड हुआ था 9 नवंबर 2000 को। इसकी कैपिटल है देहरादून विंटर में और समर कैपिटल है गैरसैंण में। सीएम है पुष्कर सिंह धामी और गवर्नर गुरमीत सिंह। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु वॉन द बेस्ट एक्टर अवार्ड एट 68th नेशनल गेम्स। तो 68th नेशनल गेम्स में बेस्ट एक्टर का अवार्ड किसने जीता है? अजय देवगन, सूर्या, सिद्धार्थ मल्होत्रा, बोथ 1 और 2। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है अजय देवगन एंड सूर्या, बोथ 1 और 2। अजय देवगन एंड सूर्या वॉन द बेस्ट एक्टर अवार्ड्स एट 68th नेशनल अवार्ड्स। तो अजय देवगन और सूर्या को 68th नेशनल अवार्ड इन्होंने जीता है बेस्ट एक्टर का। बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड जीता है अपर्णा बाल मुरली ने। फ्रॉम मूवी थी सुरारी पोत्रू से। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेयर हैज़ प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी लेड द फाउंडेशन स्टोन ऑफ द वर्ल्ड्स फर्स्ट सीएनजी टर्मिनल। तो पीएम नरेंद्र मोदी ने वर्ल्ड का फर्स्ट सीएनजी टर्मिनल की फाउंडेशन स्टोन कहाँ पे रखी है? अहमदाबाद, भावनगर, इंदौर, भुवनेश्वर। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है भावनगर। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी हैज़ लेड द फाउंडेशन स्टोन ऑफ द वर्ल्ड्स फर्स्ट सीएनजी टर्मिनल इन भावनगर। तो पीएम नरेंद्र मोदी ने वर्ल्ड का फर्स्ट सीएनजी टर्मिनल की फाउंडेशन स्टोन भावनगर में रखी है। दिस टर्मिनल विल हैव ए कैपेसिटी ऑफ 5 मिलियन टन्स पर एनम। तो इस टर्मिनल की कैपेसिटी 5 मिलियन टन्स पर एनम होगी। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन विच सिटी प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी लॉन्च 5G सर्विस ऑन 1 अक्टूबर 2022। तो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने 1 अक्टूबर 2022 में किस सिटी में 5G सर्विसेज लॉन्च की है? न्यू दिल्ली, चेन्नई, बेंगलुरु, मुंबई। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है न्यू दिल्ली। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी लॉन्च्ड 5G सर्विस ऑन 1 अक्टूबर इन न्यू दिल्ली। तो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने 1 अक्टूबर को न्यू दिल्ली में 5G सर्विसेज लॉन्च की है।
5G टेक्नोलॉजी विल प्रोवाइड हाई डेटा रेट, लो लेटेंसी एंड हाईली रिलायबल कम्युनिकेशंस। तो 5G टेक्नोलॉजी हाई डेटा रेट प्रोवाइड करेगा, लो लेटेंसी और हाईली रिलायबल कम्युनिकेशन हमें प्रोवाइड करेगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु हैज़ बीन कॉन्फर्ड विद द नेशनल लता मंगेशकर अवार्ड फॉर द ईयर 2021। तो 2021 के लिए नेशनल लता मंगेशकर अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया है? आनंद, मिलिंद, शैलेंद्र सिंह, कुमार सानू, सोनू निगम। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है कुमार सानू। शैलेंद्र सिंह को 2019 में इस अवार्ड से सम्मानित किया गया था, आनंद मिलिंद को 2020 में और कुमार सानू को 2021 के लिए सम्मानित किया गया। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंटरनेशनल कॉफ़ी डे इज सेलिब्रेटेड ऑन विच डे इन एवरी ईयर। तो इंटरनेशनल कॉफ़ी डे हर साल किस दिन सेलिब्रेट किया जाता है? 1 अक्टूबर, 2 अक्टूबर, 3 अक्टूबर, 4 अक्टूबर। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है 1 अक्टूबर। इंटरनेशनल कॉफ़ी डे इज सेलिब्रेटेड ऑन 1 अक्टूबर इन एवरी ईयर। तो इंटरनेशनल कॉफ़ी डे हर साल 1 अक्टूबर को सेलिब्रेट किया जाता है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ल्ड वेजिटेरियन डे इज ऑब्जर्व ऑन विच डे। तो वर्ल्ड वेजिटेरियन डे किस दिन ऑब्जर्व किया जाता है? 1 अक्टूबर, 2 अक्टूबर, 3 अक्टूबर, 4 अक्टूबर। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है 1 अक्टूबर। वर्ल्ड वेजिटेरियन डे इज ऑब्जर्व ऑन 1 अक्टूबर। तो वर्ल्ड वेजिटेरियन डे 1 अक्टूबर को ऑब्जर्व किया जाता है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंटरनेशनल डे ऑफ नॉन वायलेंस इज ऑब्जर्व ऑन विच डे। तो इंटरनेशनल डे ऑफ नॉन वायलेंस किस दिन ऑब्जर्व किया जाता है? 1 अक्टूबर, 2 अक्टूबर, 3 अक्टूबर, 4 अक्टूबर। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है 2 अक्टूबर। द इंटरनेशनल डे ऑफ नॉन वायलेंस इज ऑब्जर्व ऑन 2 अक्टूबर, द वर्ल्ड डे ऑफ महात्मा गांधी। तो इंटरनेशनल डे ऑफ नॉन वायलेंस महात्मा गांधी के वर्ल्ड डे पर 2 अक्टूबर को ऑब्जर्व किया जाता है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द न्यू चेयरमैन ऑफ एडवर्टाइजिंग स्टैंडर्ड्स काउंसिल ऑफ इंडिया। तो ASCI के न्यू चेयरमैन के रूप में किसे अपॉइंट किया गया है? अनिल चौहान, नागेश सिंह, NS राजन, समीर वी कामत। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है NS राजन। NS राजन हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द न्यू चेयरमैन ऑफ ASCI। तो ASCI के न्यू चेयरमैन के रूप में NS राजन को अपॉइंट किया गया है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु हैज़ वॉन गोल्ड इन दी वुमेन्स 49 कैटेगरी एट दी 36th नेशनल गेम्स। तो 36th नेशनल गेम्स में वुमेन्स की 49 कैटेगरी में किसने गोल्ड मेडल जीता है? कर्णम मलेश्वरी, मीराबाई चानू, भवानी देवी, रेनू वाला चानू। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है मीराबाई चानू। मीराबाई चानू हैज़ वॉन गोल्ड इन दी वुमेन्स 49 कैटेगरी एट दी 36th नेशनल गेम्स। तो मीराबाई चानू ने 36th नेशनल गेम्स में वुमेन की 49 कैटेगरी में गोल्ड मेडल जीता है। कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन अबाउट गुजरात। तो गुजरात की कैपिटल है गांधीनगर। गुजरात फाउंड हुआ था 1 मई 1960। गुजरात के CM हैं भूपेंद्र पटेल और गवर्नर है आचार्य देवव्रत। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द डेप्यूटी इलेक्शन कमिश्नर। तो डेप्यूटी इलेक्शन कमिश्नर के रूप में किसे अपॉइंट किया गया है? अजय वादो, परने कुमार, राजीव बहल, अनिल चौहान। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है अजय वादो। अजय वादो हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द डेप्यूटी इलेक्शन कमिश्नर। तो अजय वादो को डेप्यूटी इलेक्शन कमिश्नर के रूप में अपॉइंट किया गया है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द रैंक ऑफ इंडिया इन द 2022 ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स। तो 2022 ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स में इंडिया का रैंक क्या है? 36th, 47th, 49th। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है 40th। इंडिया हैज़ क्लाइम टू द 40th रैंक। तो इंडिया 14th रैंक पे पहुंचा।
टॉप कंट्री, टॉप कौन सी कंट्री ने किया, टॉप किया स्विट्जरलैंड ने, और इस रैंक को इशू किया है वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन ने। तो आज के इम्पोर्टेंट करंट अफेयर की वीडियो बस इतने तक की थी। अगर आपको इस वीडियो की पीडीएफ चाहिए तो आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हो, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया होगा। मिलते हैं विशाल फिर आपसे नेक्स्ट वीडियो में।